नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नई दुनिया पुरानी बातें पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कारकः कर्ता ने कर्म को करण से, तो आज इस वीडियो में हम लोग करण से कर्ता कारक तृतीया विभक्ति करण से पढ़ेंगे। करण कारकः तृतीया विभक्ति। साधकतम करणम, किसी क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिस चीज से हम कार्य करेंगे उसे करण कारक कहेंगे और उसमें तृतीया विभक्ति होगी। सूत्र एक, करने तृतीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, यथा वयं नेत्राभ्यां पश्यामः, हम सब आँखों से देखते हैं। इस वाक्य में किस चीज से देखने का कार्य किया जा रहा है, तो नेत्र आँख से देखने का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें आँख क्या है, तो आँख करण कारक है क्योंकि आँख से देखा जा रहा है, आँख की सहायता ली जा रही है देखने में, तो इसलिए आँख में तृतीया विभक्ति हुई है। सूत्र दो, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, यथा तेन व्याघ्रः दृश्यते। यह वाक्य कर्मवाच्य में है इसलिए इस वाक्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी है और तेन लिखा गया है। अब दूसरा वाक्य त्वया हस्यते। दूसरा वाक्य भाववाच्य में है इसलिए इसके कर्ता में भी तृतीया विभक्ति लगी है और त्वया लिखा गया है। इस प्रकार से कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इसीलिए दोनों वाक्यों के कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। सूत्र तीन, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। प्रकृति, स्वभाव, आकृति, जाति, नामन, प्राणे, गोत्र, सुख दुख आदि वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, यथा स्वभावेन कर्कशः, स्वभाव से कर्कश, आकृत्या शोभनः, आकृति से शोभनीय, जात्या क्षत्रियः, जाति से क्षत्रिय, सुखेन मग्नः, सुख में मग्न, दुखेन व्यथितः, दुख से व्यथित। यहाँ स्वभाव में तृतीया विभक्ति लगी है और स्वभावेन लिखा गया है, आकृति में तृतीया विभक्ति लगी है और आकृतिया लिखा गया है, जाति में तृतीया विभक्ति लगी है और जात्या लिखा गया है, सुख में तृतीया विभक्ति लगी है और सुखेन लिखा गया है, और इसी प्रकार दुख में तृतीया विभक्ति लगाकर दुखेन लिखा गया है। तो इस प्रकार के प्रकृति वर्ग के जो शब्द होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति लगती है। अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति। फल प्राप्ति के लिए लगातार कोई कालवाचक या मार्गवाचक कार्य जब किया जाता है तो उन कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है, यथा मासेन व्याकरणम अधितम। इसका अर्थ हुआ एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। यह वाक्य कालवाचक है क्योंकि इसमें एक महीने में व्याकरण पढ़ा गया है, तो लगातार एक महीने का समय लगा है, इस प्रकार से यह वाक्य कालवाचक हुआ। और यह कालवाचक कार्य क्यों किया गया है, तो व्याकरण का ज्ञान होने के लिए किया गया है, मतलब किसी न किसी फल प्राप्ति के लिए किया गया है। इसलिए जब फल प्राप्ति के लिए कोई कालवाचक कार्य करेंगे तो उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। इस प्रकार यहाँ मास में तृतीया विभक्ति लगाकर मासेन लिखा गया है। अब दूसरा उदाहरण, क्रोशेन पुस्तकं समाप्तवान। कोश भर में किताब खत्म कर दी। यह वाक्य मार्गवाचक है क्योंकि इस वाक्य में कोष भर का बात किया गया है कि कोष भर में किताब खत्म कर दिया गया। तो किताब क्यों पढ़ा गया, तो किताब ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ा गया, तो यहाँ भी फल प्राप्ति का योग बनता है, इसलिए कोष में
तृतीया विभक्ति लगाकर क्रोसेन लिखा गया है। करण कारक के और भी सूत्र हैं जिसका व्याख्या अगले वीडियो में होगा।